हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम वेब होस्टिंग रीसेलर। वेब होस्टिंग को कैसे रीसेल करेंगे और किस तरह से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चला पाते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं और मंथली 10,000 से 20,000 भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा आपकी इनकम हो सकती है। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, आपके पास वेब होस्टिंग रीसेल करने का एक पैनल होना चाहिए जिसके थ्रू आप रीसेल करेंगे। उसको रीसेल करने के लिए हमें पहले परचेज करना होता है। आइए जानते हैं कैसे परचेज करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको कैसे बार बार रीसेल करके बहुत ज्यादा ज्यादा इनकम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, payweb.com। यहाँ पे आप देखेंगे तो अनलिमिटेड रीसेलर होस्टिंग, ये मैंने भी इनसे लिया हुआ है और मैं इसको आगे सेल करता हूँ। इसका प्राइस है 4990 और अगर अभी ऑर्डर करेंगे तो ये 50% ऑफ पे मिल रहा है। ये यूज करना है, यूज कूपन कोड 50% ऑफ। ये अगर कूपन कोड यूज करके परचेज करते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देख लिया। इसमें अगर ये 50% ऑफ का कूपन ऐड करके यहाँ पे देखिए, मैं परचेज के लिए ऑर्डर करता हूँ, ये हमें कार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कूपन करना है। तो जैसे मैं सेकंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50% ऑफ और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखेंगे कि प्राइस हो गया हमारा, पहले 4999 का प्राइस था, अब ये टोटल हमें 2500 रुपए का ये हो गया। अब इसको परचेज कर सकते हैं हम। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा वो हमने डिटेल्स अभी देखा था कि ये अनलिमिटेड रिसेलर है, मतलब हम इसमें एक बार परचेज कर लिया तो साल का बस 2500 पे करना है और मैं जितना चाहे हम आगे रीसेल कर सकते हैं। पर सपोज करिए कि हमने ऑर्डर करके परचेज कर लिया और हमारे पास कंट्रोल पैनल मिल गया है उसका, तो जब परचेज करेंगे तो आपको इस तरह का रीसेलर पैनल मिलेगा। रीसेलर पैनल के लिए ये सारे ऑप्शन है डैशबोर्ड में। रीसेलर के लिए यहाँ पे है, मैनेज पे जाएंगे, रीसेलर डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अगर मैं आपको दिखाऊं, नॉर्मल डैशबोर्ड पे मैं अभी पहले क्लिक करता हूँ, ये कंट्रोल वेब पैनल का पैनल है और इस तरह से शो करता है। इसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे जो आपके रीसेलर पैनल में भी होंगे, ये सारा चीजें, एक क्रोन टैब, प्रोसेस लिस्ट, ये सारे लिस्ट मैंने ऑलरेडी उसमें लिख रखा है, फाइल, एफटीपी, डिस, डोमेन, सब डोमेन, एसएसएल, कस्टम एसएसएल, पीएचपी, ये सारा आपको सिस्टम कंट्रोल पैनल के अंदर ही मिलेगा। वर्डप्रेस, जैसे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपके डोमेन पे तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, और कुछ सेटिंग करनी है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको, जैसे आपको डोमेन ऐड करना है इसके अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर, तो इस वाले पैनल के अंदर जाएंगे डोमेन के अंदर और अपना डोमेन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक ऐड करके। मैं आपको रीसेलर पैनल पे ले चलता हूँ और कैसे उसको आगे आप सेल कर पाते हैं। ये आपका रीसेलर डैशबोर्ड है, इसमें ऑप्शन अकाउंट, पैकेज, फीचर्स, नेम सर्वर, ब्रांडिंग। अगर आपको अपने ब्रांड से सेल करना है तो आपको डोमेन का नेम सर्वर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना ब्रांडिंग से अपना ब्रांड के नेम से इसको सेल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा नया रीसेलर पैनल मिलता है तो ये एकदम फ्रेश होता है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, अकाउंट भी जीरो है। देखें पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज आप अपना अपने हिसाब से पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये के जितना पर डोमेन सेल करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको पैकेज जनरेट करना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये पैकेज जनरेट करने के लिए ये ऑप्शन आया है। जैसे ही हमने क्लिक किया, पैकेज का नाम कुछ रख देंगे, मैं इसका नाम सिल्वर रख देता हूँ। आप अपना मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नाम रखें। अब जैसे सपोज करिए कि मैं 500 रुपीज़ का सेल करता हूँ एक सिल्वर प्लान, तो उसका कितना मैक्सिमम डेटा दें कि अच्छा तरह से सेल हो सके। इसमें मैक्सिमम 1 GB भी दे सकते हैं या 2 GB आप दे सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने आपके ऊपर डिपेंड है क्या देना चाहते हैं। उसका बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, इसका तकरीबन 5 GB और 10 GB जैसा आप इच्छा हो 5 GB तक इसका बैंडविड्थ दे सकते हैं। FTP अकाउंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम आप 10 तक दे सकते हैं, इसमें लिमिट जो बनाया हुआ आपके जो भी आपने रिसेलर पैकेज लिया है उसके अंदर। ईमेल अकाउंट आप कितना देना चाहते हैं, 4-5, वो आप अपने हिसाब से। ईमेल लिस्ट कितने होने चाहिए वो भी आप बना देख के दे सकते हैं। इसमें डेटाबेस कितना रखना है, सब डोमेन कितने होने चाहिए, 2, 5, 10, इसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं जब आप चाहें। अभी मैं बनाने के लिए फिलहाल मैं एक डिफ़ॉल्ट, जो आप होस्टिंग ये सेल कर रहे हैं उसमें कितने डोमेन होने चाहिए, एड 1, तो अगर 1 है तो 1 ही रखेंगे।
और आवरली ईमेल कितना सेंड कर सकते हैं, उनको 50 ऐसे कुछ नंबर दे सकते हैं। अब आपको इसको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो जो पैकेज है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम अकाउंट में जाएंगे। अब जैसे किसी को सेल करना है, हम अभी इसमें एक पैकेज हो गया, आप 2, 4, 5, 10 जितना चाहे आप अपनी मर्जी से पैकेज बना सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे आप सपोज करिए सेल करना है, अकाउंट में जाना है और एड न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जिनका ऑलरेडी जिनको देना है उनका डोमेन नेम लिखना है यहाँ पे। कोई एक डोमेन ले ले, आई विशर कुर्ती .com, ये मेरे एक क्लाइंट है उनका डोमेन है इसलिए मैंने ये लिखा है। और यूजर नेम आप, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, आई विशर के जनरेट हो गया है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे जिनका ये डोमेन है उनका ईमेल आईडी लिखना है, iwishwisherkurti@gmail.com, ये मैंने उनका ईमेल अकाउंट लिख दिया है। और यहाँ पे अब पैकेज सेलेक्ट करना है। पैकेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब जैसे हमने एक अभी पैकेज बनाया तो हमें एक शो कर रहा है। अगर हम चार तरह का पैकेज बनाते हैं तो चार तरह का शो करेगा और उसी को सेलेक्ट करना है। हमें सपोज करिए कि सिल्वर पैकेज इनको देना है, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बैकअप यूज़र अकाउंट रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो SSL इसमें ऐड करना है। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो SSL ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये सारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अभी अकाउंट क्रिएट हो गया। हमने 5GB बैंडविड्थ दिया था तो यहाँ पे दिखा रहा है, 2GB स्पेस दिया था तो ये इतना यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इसको इस डोमेन को आगे ले जाके और इसको ये वेबसाइट पे जो चाहे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपने उस कस्टमर को आपने इसका डिटेल भेजना है, सेंड करना है, बस। अब ये आपका काम ख़त्म हो गया, आपने एक वेब होस्टिंग सेल कर दिया। बस इतना ही, जो वेब होस्टिंग सेल करते हैं इतना ही करना हो। इतना करने में आपको मैक्सिमम 2 to 5 minutes लगता है एक अकाउंट जनरेट करने में। जस्ट लॉगिन करने में और अकाउंट क्रिएट करने में जितना टाइम लगे 2 to 3 minutes बस मैक्सिमम। और इतने में एक अकाउंट आपका सेल हो गया। आप दिन को 4-5 सेल, आज की डेट में हजारों वेबसाइट बन रहे हैं। अगर इस तरह से आपको कस्टमर मिलते हैं और आप सेल करते हैं, अगर 500-1000 जितना का अपने रेट पे सेल करना है आप सेल कर सकते हैं। डेली का अगर 5 या 10, दो भी महीने का भी अगर 10 सेल करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपने परचेज ओनली 2500 का किया है। आप 2, 4 या 5 भी सेल कर देते हैं तो आपका पेमेंट रिकवर हो जाएगा और उसके ऊपर जितना भी सेल होगा आपका प्रॉफिट होगा और उसका पैसा सारा आपके अकाउंट में जाएगा। अब नॉर्मल अब जो क्लाइंट का होगा वो क्लाइंट का इस तरह से डैशबोर्ड मिलेगा, उनको सारा कुछ ये कंट्रोल पैनल के अंदर सारा SQL सर्विसेज सेटिंग्स, फाइल मैनेजर, डोमेन के लिए SQL सर्विसेज, ईमेल अकाउंट्स, DNS फंक्शन, Advan, ये सारा यहाँ पे फंक्शन आपको मिल जाता है। तो आपने अभी देखा कि कितनी इजी तरीके से आपने एक अकाउंट सेल कर दिया और उनसे पैसे भी ले लिए। बस इतना ही काम करना होता है। इस रीसेलर होस्टिंग को परचेज करके कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। ये देखिए 4499 का है और ये 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिलता है मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये कंट्रोल वेब पैनल मिलता है जिसमें ये सारे लिस्ट है जो मैंने आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाया था, फाइल मैनेजर, डोमेन, इसके अंदर क्या क्या लिस्ट होती है, ये सारे जरूरत होते हैं जब हमें कंट्रोल पैनल मिलता है। तो इस तरह से आप इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं एक सिंपल सा 2500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, और आप उसको अपना खुद का भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं प्लस आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास होगा दोस्तों। बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको आज से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्लान को परचेज करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इसको परचेज करके और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।